एक्ट्रेस हिना खान ने कैसी न्यूज शेयर की जिसने अंदर से सबको झकझोर के रख दिया। हिना ने बताया कि वो ब्रेस्ट कैंसर के थर्ड स्टेज से गुजर रही है। हिना ने ये खबर जैसे ही शेयर की, हर कोई स्तब्ध रह गया। So ma'am, nowadays we have been hearing about Hina Khan's news. She has been diagnosed with breast cancer. So what do you think one should take the precautions to reduce the risk of breast cancer and how to detect it early? See, like any other cancer, if breast cancer is detected early, it can be cured and life expectancy is more. सो ब्रेस्ट कैंसर में तीन चार चीज़ें हम पेशेंट को बोलते हैं, जैसे आफ्टर एज ऑफ 25 मैमोग्राफी एवरी 2 to 3 ईयर डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सेकेंड, एवरी मंथ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है वो आपके गायनेक आपको सिखा देंगे। एंड थर्ड, एवरी ईयर विजिट टू अ गायनेक एंड चेकअप बाय अ ट्रेंड पर्सन। दीज आर द थिंग्स that can detect breast cancer at early stage. So ma'am, you mentioned about mammography. What is it exactly? If you see the term mammography, mammo is breast, graphy is imaging. It means imaging of breast is called mammography. There are two types of mammographies. One is sonomammography, which is done by ultrasound, and another is x-ray mammography, which is done using x-ray machines. So hum sonomammography kinko bolte hain? Women who are less than 35 years of age, उनमें क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा डेंस होता है, तो उनमें सोनोमैमोग्राफी वर्क्स बेटर। और जो 35 years and above है, उनमें ब्रेस्ट टिश्यू थोड़े लूज होते हैं, तो उनमें यूजुअली हम कंबाइन मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं। कंबाइन मतलब सोनो प्लस एक्सरे मैमोग्राफी। वो मैमोग्राफी में आपको सस्पिशियस, उसमें स्टेजिंग्स रहते हैं, तो उसमें आप सस्पिशियस लम्प्स डायग्नोज कर सकते हो। So what are the lifestyle changes which can help to reduce the risk of breast cancer? Breast cancer is high in obese women. So maintaining optimal weight reduces the risk of breast cancer. Smoking, alcohol also increases the risk of breast cancer. So it is better to avoid them completely. Third, coming to diet. Diet may green leafy vegetable, fruits, they have antioxidants which reduces the risk of breast cancer. So kya food avoid karna hai? Canned food, junk food, beverages like जो कोक एंड ऑल, दीज ड्रिंक्स यू हैव टू अवॉइड। और जो किचन से प्लास्टिक, हम फूड रीहीट करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स यूज करते हैं, वो हमको अवॉइड करने हैं। सो किचन से प्लास्टिक कंप्लीटली फेंक देना है बाहर, प्लास्टिक के कोई भी कंटेनर यूज नहीं करने हैं। दीज आर द थिंग्स विच कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। So ma'am, is there any relation between birth control pills and breast cancer? There are many studies done on this association between using birth control pill and breast cancer. Lekin jo low dose pills hai, when they are using young women less than 35 years of age, jo obese nahi hai zyada, bahut overweight nahi hai, jo smoke nahi karte, unme birth control pill, they does not increase risk of breast cancer. और जो मोर देन 35 वेरी ओबीज स्मोकर्स है, उनमें हम गायनेक्स, वी डोंट प्रिस्क्राइब बर्थ कंट्रोल पिल्स टू देम। अभी जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है, दोज आर थर्ड और फोर्थ जनरेशन, दे हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ हार्मोनल कंटेंट, सो इट इज़ नॉट प्रूवन। एंड लो डोज पिल्स, दे डोंट इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन यंग वुमेन। सो मैम, अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो वॉट आर द चांसेस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर टू दैट वुमेन? देखो, अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब मदर, सिस्टर या डॉटर में अगर ब्रेस्ट कैंसर है, तो देर आर चांसेस दैट दिस कैंसर इज कुड बी हेरिडिटरी। तो कुछ जीन्स रहते हैं, जैसे BRCA1 एंड BRCA2, दे आर एसोसिएटेड विथ हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर। तो हम क्या एडवाइस करते हैं, अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो जेनेटिक स्क्रीनिंग करके कुछ जीन में अगर म्यूटेशन है, तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। सो यस, डेफिनेटली सम ब्रेस्ट कैंसर्स आर हेरिडिटरी। सो मैम, व्हाट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट कैंसर, इज इट रिलेटेड? यस, ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इफ यू फीड योर बेबी फॉर 2 ईयर्स, देन द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिड्यूसेस बाय 50%। सो वी हाईली रिकमेंड टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी, विच विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।
मैम, वी हैव सीन कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में पस हो जाता है, हार्डनेस हो जाती है ब्रेस्ट. सो हाउ इज इट एसोशिएटेड, विल इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर लेटर ऑन? हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में कभी कभी एब्सेसेस हो जाते हैं। जैसे मिल्क अगर जमा रहता है तो मिल्क इज़ वेरी गुड कल्चर मीडिया, उसमें जल्दी बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, फिर उसमें पस बन जाता है, फिर पस बनने से वहाँ पे रेडनेस आती है, फीवर आता है, और कभी कभी वो ड्रेन करना पड़ता है, मतलब उसमें इंसीजन लेके उसको पस को ड्रेन करना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। लेकिन ये मिल्क स्टैग्नेशन की वजह से होता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से होता है, तो इसकी वजह से फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर का कोई भी रिस्क नहीं बढ़ेगा। इट इज जस्ट ए इन्फेक्शन ऑफ स्टैग्नेटेड मिल्क। मैम, मेनी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, दे नोटिस सम लम्स इन अंडर आर्म्स. व्हाट इज दैट? इज इट स्केरी? ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में कई बार एक्जिला में लंप नोटिस करते हैं, तो दैट वी कॉल एज एक्जिलरी टेल ऑफ स्पिन्स। अभी उसको गोइंग बैक टू एम्ब्रियोलॉजी, जब ब्रेस्ट बनता है द ब्रेस्ट टिश्यू डिसेंड्स फ्रॉम एक्जिला, मतलब आर्म पिट से वो डिसेंड होके उसके नॉर्मल लोकेशन पे आके चेस्ट के फ्रंट साइड पे आके वो ग्रो होता है। तो मतलब जो ये डिसेंट होता है उसमें कुछ टिश्यू अगर पीछे रह जाए, ब्रेस्ट टिश्यू अगर पीछे रह जाए, तो फीडिंग मदर्स में कैसे होता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है, उसमें लैक्टेशन मतलब मिल्क बनना शुरू हो जाता है, तो वो जो टिश्यू पीछे रह गया था उसमें भी मिल्क बनना शुरू हो जाता है, एंड इट बिकम्स अ लम्प, वो लम्प जैसे दिखने लगता है, दैट वी कॉल एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पिन्स। तो ये डरने वाली चीज नहीं रहती, जैसे आप ब्रेस्ट एम्प्टी करोगे वो पार्ट भी एम्प्टी हो जाएगा, और आप जब ब्रेस्ट फीडिंग आपका बंद हो जाएगा तब वो लंप अपने आप चला जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्जिला में लंप दिख रहा है तो एक बार आपके डॉक्टर को दिखा के कंफर्म कर लेना दैट इट इज़ द एक्जिलरी टेल ऑफ स्पिन्स एंड नथिंग एल्स, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं रहती। मैम, काफ़ी लेडीज़ में पीरियड्स आने से पहले दे नोटिस कि ब्रेस्ट थोड़े टाइट हो जाते हैं, सम काइंड ऑफ लम्स ऑल्सो दे नोटिस. कि व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली? स्पेशली आफ्टर 30s कुछ फीमेल्स में, अबाउट 20% फीमेल्स में ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। उसको हम PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ऐसे भी बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से वाटर रिटेंशन होता है, कई बार नोडुलरिटी लगती है, तो ये स्पेशली कब देखा जाता है, पीरियड आने के 1 वीक प्रायर, और पीरियड आने तक उसका पेन बढ़ते जाता है, और पीरियड आने के बाद वो कम हो जाता है। इट इज़ नॉर्मल, इसमें डरने वाली ज़्यादा बात नहीं रहती है। जो अपने रूटीन टेस्ट है स्क्रीनिंग के लिए वो आपको बस फॉलो करने हैं, और इसमें कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे आपका पेन कम होने में थोड़ी मदद होती है। सो मैम, यू मेंशन अबाउट सेल्फ एग्जामिनेशन. सो ड्यूरिंग दैट सेल्फ एग्जामिनेशन, अगर किसी को लंप नोटिस हो रहा है, तो इज इट समथिंग टू स्केयर अबाउट, और व्हाट शी कैन डू दैट टाइम? देखो, ऑल लम्स आर नॉट कैंसर्स। कई बार हम ओपीडी में देखते हैं यंग गर्ल्स आती हैं, दे फील लंप इन ब्रेस्ट एंड एकदम पूरी फैमिली डिस्टर्ब, अभी कैंसर हो गया। यंग गर्ल्स में ब्रेस्ट लंप आर वेरी कॉमन। एक एंटिटी रहती है विच इज कॉल्ड एज फाइब्रो एडिनोमा, वो एक फैट का लंप होता है एंड इट इज फर्म फ्रीली मोबाइल। तो जब किसी को लंप लगता है दे शुड विजिट अ डॉक्टर एंड गेट एग्जामिंड बाय बाय द डॉक्टर, और उसमें समझ जाता है कि ये कोई डरने वाली बात है या नहीं। बहुत सारी यंग गर्ल्स में इट इज़ बेनाइन, दैट इज़ नॉन कैंसरस फाइब्रो एडिनोमा, वो भी अगर छोटा सा है तो हम उसको सर्जरी नहीं बोलते। इफ़ इट इज़ वेरी लार्ज मल्टीपल, और उसकी वजह से अगर पेन हो रहा है एंड बहुत एंशियस है पेशेंट, तो ही हम उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं। वो भी बहुत स्मॉल सर्जरी रहती है, छोटा सा इंसिजन लेके हम उसको बाहर निकालते हैं और उसका हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन करके चेक कर लेते हैं, एंड मेनी ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉन कैंसरस। कई सारे लम्स रहते हैं, जैसे डक्ट डायलेट हो गया ब्रेस्ट ग्लैंड का, वहाँ पे गैलेक्टोसिल मतलब मिल्क अगर जम गया कोई हार्मोन की डिस्टरबेंस की वजह से, जैसे प्रोलैक्टिन बढ़ गया उसकी वजह से मिल्क जम गया, गैलेक्टोसिल जिसको हम बोलते हैं मिल्क सिक्रीशन की वजह से, बहुत सारे लम्ब्स दे आर नॉट कैंसरस। अगर कोई सस्पिशियस लम्ब लगे मैमोग्राफी में तो तो हम FNAC दैट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या बायोप्सी एडवाइस करते हैं। उसमें
उस लंप का क्या नेचर है, इज इट कैंसरस और नॉन कैंसरस या सस्पिशियस, वो समझ में आता है एंड उस अकॉर्डिंगली हम उसका मैनेजमेंट करते हैं।